हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी एडमिशन 2023 के लिए वैकेंसीज निकल के आई हुई है उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक बात, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरीके लिस्ट ओपन हो जाएगा, देन आप सभी को एडमिशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में और एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, देन आप सभी को एडमिशन नोटिस 2023 सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद में एडमिशन 2023 यहाँ पे देख सकते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकल के आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, देन कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी। इन सभी डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकल के आई हुई है और कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है वो भी थोड़ी देर बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 31 मार्च 2023 यानी कि 31 मार्च 2023 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 9 एंड 30 अप्रैल 2023 यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जाएगा 29 और 30 अप्रैल 2023 को। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेते हैं आप सभी को। जनरल एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एलिजिबिलिटी हम पीएचडी के लिए चेकआउट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम, मैं आपसे एक बता देता हूँ, अगर आप सोशल साइंसेस एंड लॉ के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आप सभी पीएचडी प्रोग्राम्स का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इज मेड थ्रू टू चैनल्स, थ्रू डायरेक्ट मोड एंड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। डायरेक्ट मोड का डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस मोड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। मैं आपसे ये बता देता हूँ, अगर आपके पास में कोई भी नेशनल फेलोशिप्स अगर है या फिर कोई भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट आप सभी ने क्वालिफाई करा है या फिर इनमें से कुछ भी अगर आपके पास में है तो आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट में एग्जेम्पशन यानी कि छूट मिल जाएगा, आप सभी डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमें देख सकते हैं द स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू द डायरेक्ट मोड विल बी प्रोवाइडेड द होस्टल एकोमोडेशन, आप सभी को होस्टल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड ट्यूशन फी में भी आप सभी को एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट थ्रू एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, मैं आपसे ये बता देता हूँ, आपसे कि एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं द स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड द होस्टल एकोमोडेशन, आपसे को भी हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा एंड ट्यूशन फी में भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ओके, और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे की स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 25,000 पर मंथ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम एंड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है थ्रू डायरेक्ट मोड एंड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी। ओके, पर डिटेल्स में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सीट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है डायरेक्ट मोड एंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी। आप सभी वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा अपने डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेवल सब्सिडी फॉर कैंडिडेट्स इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू यानी कि जितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उन सभी को ट्रैवल सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग पीएचडी प्रोग्राम द 10 ईयर ऑफ द प्रोग्राम इज 5 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हैं 10 ईयर यहाँ पे 5 साल का रहेगा। ओके, नेक्स्ट अदर डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है, आपसे वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन फी डेट्स एंड टेस्ट सेंटर्स का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पर आप सभी क्लिक कर देना है। करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी, मैं आपसे ये बता देता हूँ 800 रुपये यानी कि 800 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे शेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सैटरडे 29 अप्रैल 2023 का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है।
मॉर्निंग सेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, एंड आफ्टरनून सेशन में यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पीएचडी के लिए। ओके, नेक्स्ट इवनिंग सेशन यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट संडे 30 अप्रैल मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है पीएचडी के लिए। देन आफ्टरनून सेशन में पीएचडी इन मैथमेटिक्स एंड पीएचडी इन सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इवनिंग सेशन में पीएचडी लीगल स्टडीज एंड पीएचडी इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट टाइम शेड्यूल यहाँ पे दिया गया, कंट्रीज नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। देन मॉर्निंग सेशन, देन आफ्टरनून सेशन, देन इवनिंग सेशन का पूरा टाइम शेड्यूल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के लिए यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट सेंटर डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं टेस्ट सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया में जितना भी टेस्ट सेंटर है उन सभी के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट सेंटर इन अदर कंट्रीज, अदर कंट्री दिया गया है टेस्ट सेंटर डिटेल्स, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूशन एंड अदर फी यहाँ पे आप सभी को चेकआउट कर लेना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन एंड अदर फी पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, एंड रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। देन हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज से इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे आप सभी क्लिक कर देना है। करने का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट योर एप्लीकेशन, अगर आप सभी ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप सभी को ऑलरेडी रजिस्टर्ड का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सभी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फ्रेश कैंडिडेट्स हो तो आप सभी को न्यू यूजर का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। देन आप सभी को पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसकी रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरह वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।